सकते हैं, जिस तरह से लोग बैठ के लेट के जल कर रहे हैं स्नान, उस तरह का दृश्य देख रहे हैं। पूरे पत्थर पत्थर दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, 8 बजे हम आ चुके हैं घाट पे और ठंडी सुबह सुबह लग रही, देखो इन्होंने कान बांध रखे हैं। और हरिद्वार में जो अभी है दृश्य सुबह के, वो ठंडी वो सुबह सुबह लगता है 8 बजे तक। आज हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी, इसकी वजह से थोड़ा से ठंडी का एहसास ज्यादा हो रहा है। बाकी आप ठंडी का सीजन भी आने ही वाला है, तो जब हरिद्वार आते हैं तो कहाँ पे स्नान करें, देख रहे हैं पूरे घाट सूखे हुए हैं, गड्ढों में पानी है, अभी जल है, तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे आप हरिद्वार में गंगा स्नान कहाँ करें, कब तक ये जल आएगा और साथ में यहाँ पे मौसम कैसा है अभी, क्योंकि जो मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें भी अभी हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे आराम से हम आ रहे हैं, अभी कुछ लोग यहाँ पे सोना चाहे सिक्के ढूंढ रहे हैं सुबह सुबह ही। देख रहे हैं ये सामने काफी सारे लोग गंगा जी में सोना चाहे ढूंढने के लिए आए हुए हैं। ये देख रहे हैं ये है सुभाष घाट और गौ घाट बीच वाला एरिया, उस तरफ सुभाष घाट है और हम खड़े हुए गौ घाट पे, आगे शिव घाट है। और पूरे घाटों में तो ये देख रहे हैं पूरा सूखी सूखी सा दृश्य है। सामने अभी एक भाई साहब यहाँ पे सोना सिक्के ढूंढ रहे हैं। देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि स्नान करने के लिए जा रहे हैं उस तरफ, जो प्रमुख धारा है जो बैराज से छोड़ा जाता है हर की पैड़ी, इस धारा में उसे ज्यादा रोका गया है। पूरी सफाई का जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है घाटों में। देख रहे हैं ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत भीड़ हुआ करता था, ऐसे आगे तो आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा क्योंकि जहाँ पे जल है वहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं। यही हम आपको बताएंगे कि हरिद्वार में अभी जल कहाँ कहाँ है प्रमुख रूप से, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसके वजह से जल नहीं है। और कुछ लोग को जाना पड़ा नीलधारा, नीलधारा में जाने से कुछ फायदा है कि नहीं ये भी हम आपको बताएंगे। नीलधारा में जल काफी तेज है, वहां पे जाने से आपको ये होगा कि जल की धारा तेज मिल जाएगा, तो स्नान आप आराम से कर सकते हैं। हर हर महादेव। सामने जो आप देख रहे हैं ये है शिव घाट, देख रहे हैं जहां पे लोग स्नान कर रहे हैं। देख रही है शिव घाट जहाँ पे लोग अच्छे खासे स्नान कर रहे हैं, भीड़ है। और जितने भी घाट हमने देखा अभी 4-5 घाट देख लिए, उसमें सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो यहीं पे है। अभी आपको शिव घाट में जल मिलेगा या फिर हर की पैड़ी में, और कहीं जल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो पूरे जलों में जो सूखी सूखे का दृश्य दिखाई दे रहा है वो यह बयान कर रहा है कि लोग अभी परेशान हो रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे तो जल सही है, घुटने इतना जल है। देख रहे हैं माता जी बहने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, और कुछ लोग उधर ब्रिज के नीचे आप देखेंगे तो कुछ लोग उधर भी स्नान कर रहे हैं। अभी हम जाएंगे उधर नीचे पे और नीचे का दृश्य दिखाते हैं। वहां पे देखेंगे आप पूरे कपड़े ढेर लगा हुआ है, ढेर कपड़े का, तो श्रद्धालु आते हैं कपड़े को बहा देते हैं गंगा जी पे, और सुखाए होने के बाद यही दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। चलते हैं उधर भी जाएंगे सुभाष घाट वाले एरिया में, आपको वहां पे ढेर स्कैन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर की पेड़ी की जो धारा है ना, हर की पेड़ी से जो जल आती है वो ऐसा हो कि वो इस जल में मिलती है प्रमुख जल की धारा में, तो वही मार्ग है मिलने का। इसकी वजह से जो लोग हर की पेड़ी आते हैं जल को जल में फेंक देते हैं कपड़े, वो वहां पे आकर रुक जाता है पत्थर में। अब आ चुके हैं वो धारा पे जहाँ पे जल की धारा काफी तेज होती है। देख रहे हैं जो निशान आपको दिखाई दे रहा होगा जो व्हाइट है उसके नीचे, वहाँ जल होती है करीबन 4-5 फीट जल यहाँ पे होता है,
कम से कम अधिक से अधिक 7-8 फीट तक जल होता है। और वहाँ की बात करें, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ की बात करूँ, वहाँ से अगर तुलना करें तो वहाँ पे तो हमेशा ही 6-7 फीट जल होता है, लेकिन आज देख रहे हैं और घुटने इतना भी जल नहीं है। इस तरह का दृश्य है अभी। और यहाँ पे जब स्नान करेंगे आप तो यहाँ पे आपको एक चीज़ की दिक्कत होगी, बस चेंजिंग रूम का ऐसा जल है, यहाँ पे स्नान कर सकते हैं जिस तरह से लोग बैठ के लेट के जल कर रहे हैं स्नान, उस तरह का दृश्य देख रहे हैं। पूरे पत्थर पत्थर दिखाई दे रहा है। घाट में जब पूजा होती है आरती का समय जो होता है उस टाइम देख रहे हैं जल जो आई थी वो देख रहे हैं, निशान अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये निशान बने हुए हैं जल का। तो शाम और सुबह में जल थोड़ा तेज होती है ताकि गंगा जी की आरती अच्छे से हो सके। अभी प्रमुख घाट पहुंची नहीं, प्रमुख घाट वो है हर की पैड़ी, भीड़ वहां पे अच्छी खासी है अभी। और भीड़ वहां पे क्यों है, क्योंकि जल को वहां पे छोटा सा बांध बना दिया गया है नई घाट में और जल को रोका गया है। और धारा भी आप देख रहे हैं अच्छी खासी वहां पे धारा आपको नजर आ रही होगी। चलते हैं उधर ही और उधर का दृश्य दिखाते हैं आपको, उधर का क्या सीन है। ये हम अभी पहुंच चुके हैं शिव सेतु पे, जहाँ पे लोग अपने छोटे छोटे दुकान सजाए हुए हैं। रेट अगर कहें तो यहाँ पे थोड़ा सा सही मिलता है, ऐसा वो नहीं है कि एकदम ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। आप रेट जो बताते हैं उसमें आप थोड़ा से बार्गेनिंग भी करें, क्योंकि हर जगह ये तो चलता ही है। और आप देख रहे हैं घाटों का दृश्य। ये आप देख रहे हैं सुबह सुबह घाटों पे अच्छी खासी भीड़ है आज, और इस सुबह होता ही है 9-10 बजे के आसपास भीड़ होता है, उसके बाद तेज धूप होती है तो लोग फिर कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे भी जल नहीं है और 11 बजे के बाद जल और भी कम हो जाती है। ये आप देख रहे हैं पवित्र माँ गंगा की धारा यहाँ पे अच्छी गति है, स्नान करने के लिए अच्छा है। अभी हम आपको घर की बड़ी में लेके जाएंगे। ये हम आ चुके हैं नई घाट पे और नई घाट का दृश्य आप देख रहे हैं। नई घाट में लोग किस तरह से स्नान कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। नई घाट में भीड़ आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों किनारों पे, इस किनारे में भीड़ है इस किनारे में भीड़ है, और बीच में भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जल यहाँ पे अच्छी है, स्नान करने के लिए पर्याप्त है और आप स्नान कर सकते हैं। हरिद्वार की यात्रा में लगभग आप तो कोई दिक्कत है नहीं, बस जल की थोड़ा धारा है वो कमी है, लेकिन आप देख रहे हैं लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप आ सकते हैं या फिर आप दिवाली के बाद आए जैसे आपकी इच्छा। जो पूरी जानकारी थी वो हमने दे दिया है हरिद्वार यात्रा में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देख रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।